दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। हेलो दोस्तों ये एक VCR है नेशनल कंपनी का NV250। दोस्तों ये जो VCR है वो सेल के लिए है नेशनल कंपनी का। दोस्तों इस VCR की जो कंडीशन है वो आपके सामने है, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में है ये VCR भी। दोस्तों ये नेशनल कंपनी का VCR है और आपको तो मालूम ही है कि नेशनल कंपनी का कोई सा भी VCR हो उसकी पिक्चर क्वालिटी जो है डेफिनेटली शानदार होती ही होती है। दोस्तों अभी मैं आपके सामने इस वीडियो में ये दिखा देता हूँ इसमें आपको कौन कौन से स्विच मिलेंगे। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले इसके ऊपर पावर को ऑन ऑफ करने का स्विच दिया है। और दोस्तों पावर को ऑन ऑफ करने के नीचे जो स्विच है वो कैसेट को इजेक्ट करने के लिए है। दोस्तों उसके बाद में आपको इस साइड पे रिकॉर्डिंग करने का स्विच दिया गया है। और दोस्तों इसकी इस साइड में आपको सबसे ऊपर प्ले का स्विच दिया गया है, उसके साइड में ही आपको स्टॉप करने का स्विच दिया गया है और नीचे रिवर्स फॉरवर्ड पॉज स्टिल वीडियो को स्टिल करने का स्विच दिया गया है। और इसके जो ट्रैकिंग वाले स्विच हैं दोस्तों वो इसके नीचे वाले पैनल में दिए गए हैं। इस साइड में दोस्तों आप देख सकते हो जिसकी ट्रैकिंग को एडजस्ट करने का स्विच है और साथ में ही आपको पिक्चर को सॉफ्ट और शार्प करने का भी स्विच दिया गया है। दोस्तों ये जो VCR है वो फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। और दोस्तों इस VCR की जो इनसाइड है वो भी एकदम न्यू कंडीशन में पड़ा हुआ है VCR ये भी। अभी मैं आपके सामने इस VCR की जो है चारों साइड को दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद में मैं आपके सामने इसकी इनसाइड को भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये VCR जो है सेल के लिए है, आप इसके लिए मेरे से बात कर सकते हो और इसको जो है परचेज कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे ये इसका बैक साइड का पैनल है, इसमें आपको इसका जो मॉडल नंबर है वो दिख जाएगा। इस साइड में ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और उसके नीचे इसका जो सीरियल नंबर है वो भी लिखा हुआ है। दोस्तों ये जापान का बना हुआ VCR है। और दोस्तों इसकी इन साइड में आपको RF इन आउट की कनेक्शन मिल जाएगी और लास्ट में आपको ऑडियो वीडियो इन आउट की कनेक्शन जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों ये VCR होते तो काफी पुराने हैं लेकिन इसकी जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही शानदार होती है। और दोस्तों जो गेस्टों को कैप्चर करने का काम करते हैं ये VCR उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही शानदार होती है। दोस्तों जैसे कि आपको तो मालूम है मैं अपनी हर एक वीडियो में इसकी इनसाइड को भी दिखाता हूँ, इसके लिए मैंने इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको निकाल दिया है और आप इसकी जो है इनसाइड भी देख सकते हो। इसकी इनसाइड भी एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन में है दोस्तों और आप इसका जो हेड है वो भी देख सकते हो एकदम शाइन कर रहा है एज ए न्यू हेड भी उसका बहुत ही शानदार है। दोस्तों आपको इसकी इनसाइड से इतना तो मालूम पड़ जाएगा कि जो VCR है बहुत ही कम यूज हुआ है, एकदम न्यू कंडीशन में पड़ा है। दोस्तों नेशनल का है, पिक्चर क्वालिटी तो इसकी डेफिनेटली शानदार होनी ही है। इसकी इनसाइड तो देख ली है, अभी मैं आपके सामने इसमें जो है कैसेट को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपने LED सेटअप की ओर। हाँ दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों मैंने इस VCR को जो है अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है और अभी मैंने इसकी जो है पावर को ऑन किया है और इसमें एक मैं प्री रिकॉर्ड की हुई कैसेट को प्ले कर रहा हूँ। आपके सामने इसका प्ले वाला स्विच जो है उसको प्रेस किया है और आप डिस्प्ले पे देख सकते हो प्ले का जो साइन है आ गया है और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो आप लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो इसमें आपको सिंगल ट्रैकिंग भी जो है नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ही साफ सुथरा VCR है ये भी, एकदम संभाल कर रखा होगा किसी के पास में। और दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको इतना तो मालूम पड़ गया होगा इसका जो हेड है वो किस कंडीशन में है, फर्स्ट क्लास कंडीशन में है दोस्तों जो भी है। इस साइड में इसको जो है ट्रैकिंग का स्विच दिया गया है, अगर वो आपकी कैसेट में हल्की फुल्की ट्रैकिंग रहेगी भी तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे इस कैसेट में तो ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं आ रही तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों इस VCR में आप जो है मैनुअल ट्रैकिंग भी कर सकते हो। दोस्तों इसका जो नीचे वाले पैनल में स्विच दिया गया है अभी मैंने आपके सामने इस कैसेट को जो है स्टॉप किया है और इसकी मैं जो फॉरवर्ड की टेस्टिंग करवा दे रहा हूँ, देख सकते हो डिस्प्ले के ऊपर फॉरवर्ड का साइन आ गया है। फिर मैंने इसको स्टॉप करके इसी कैसेट को जो है रिवाइंड किया है, फॉरवर्ड रिवाइंड सब कुछ अच्छे से हो रहा है और इसको भी मैंने स्टॉप करके फिर से यही कैसेट को प्ले कर दिया। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने इसकी इनसाइड को दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका मैंने ऊपर वाला कवर एक बार फिर से निकाल दिया और आप इसकी जो इनसाइड देख सकते हो। दोस्तों जो मैंने पहले रिकॉर्ड की हुई कैसेट को प्ले किया था वही
क्या है जिसमें क्लियर हो रही है। और दोस्तों इसकी राइट और फॉरवर्ड की जो है टेस्टिंग एक बार फिर से करवा दिया आपके सामने। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारी कैस्ट है फॉरवर्ड हो रही है। मैंने इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको निकाल कर इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मैंने इसको स्टॉप करके इसी कैस्ट को रिवाइंड किया है और आप देख सकते हैं जो हमारी कैस्ट है रिवाइंड हो रही है। और दोस्तों अभी मैंने इसको स्टॉप करके इसी कैसेट को एक बार फिर से प्ले कर दिया है। दोस्तों ये वीसीआर जो है सेल के लिए है, आप इसके लिए मेरे से बात कर सकते हो और दोस्तों इस वीसीआर को जो है परचेज कर सकते हो। मैंने इसको स्टॉप करके इजेक्ट किया है और आप देख सकते हैं जो हमारी कैश है सही सलामत बाहर आ गई है। दोस्तों आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो हम कोरियर के माध्यम से आपके पास में इस वीसीआर को जो है पहुंचा देंगे। और दोस्तों आप इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो जिसमें कि आपको ऐसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।